हेलो एवरीवन आज हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे इससे पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं आज हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं ये वाला ये वाली जो स्लाइड है ये आपने पिछली वीडियो में भी देखी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एडवर्ब जो हैं वो फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन थे वो ये क्वेश्चन थे हाउ वैन वेयर हाउ ऑफन टू वट एक्सटेंड हाउ शी राइट्स वो कैसे लिखती है शी राइट नाइसली नाइसली यहाँ एडवर्ब है वैन डू यू गेटअप आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग वैन का आंसर यहाँ कौन कर रहा है आई आंसर कर रहा है नो गेटअप आंसर कर रहा है नो इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली आंसर कर रहा है जल्दी सुबह सवेरे जल्दी उठता है वो वैन को आंसर यहाँ अर्ली कर रहा है तो अर्ली एडवर्ब है वेयर इज इट डार्क कहाँ दे रहा है इट इज़ डार्क एवरी वेयर तो वेयर को आंसर यहाँ कौन कर रहा है इट कर रहा है नो no. इज़ no. no. कर रहा है नो डार्क कर रहा है नो एवरी कर रहा है येस एवरी वियर यहाँ वेयर को आंसर कर रहा है तो ये एडवर्ब है हाउ ऑफ़न डू यू विजिट यूर स्कूल आप स्कूल कितनी दफ़ा जाते हैं आई विजिट माई स्कूल डेली अब यहाँ भी आप देख सकते हैं हाउ हाउ ऑफ़न हाउ ऑफ़न यहां कौन आंसर कर रहा है डेली फिर चले टू वट एक्सटेंट आर यू हैप्पी आप कितने खुश हैं आई एम वेरी हैप्पी टू वट एक्सटेंट कितने इसको आंसर कौन कर रहा है आई एम तो आंसर नहीं कर रहा हैप्पी भी आंसर नहीं कर रहा वेरी बहुत ज्यादा यहां पे आंसर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन हैं इनको दिखाने का यहाँ मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाउ वैन वेयर हाउ ओफन टू वट एक्सटेंड ये वो फाइव क्वेश्चन हैं जो कि एडवर्ब्स की टाइप्स जो हैं उसको डिटर्मिन करते हैं मतलब कि यही फाइव क्वेश्चन हैं और यही फाइव इसकी टाइप्स हैं जिनको हम लेकिन हमने उनको कुछ नाम दिए हुए हैं एडवर्ब की हर टाइप जो है वो इनमें से किसी ना किसी एक क्वेश्चन को आंसर कर रही होती है पहले देखते हैं कौन सी टाइप आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर करेगी हाउ ऑफ़न हाओ ऑफ़न को जो एडवर्ब आंसर करेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे आइए देखते हैं हाउ ऑफ़न हाउ ऑफ़न डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितनी दफा विजिट करते हैं वी विजिट दैम वीकली अब यहाँ देखें क्या वी उनको आंसर कर रहा है नो no. क्या विजिट उनको आंसर कर रहा है हाउ ऑफ़न को नो no. क्या देम हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है नो no. वीकली हर हफ्ते हम उनको विजिट करते हैं वीकली हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है तो वीकली यहाँ एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है ये एडवर्बो फ्रीक्वेंसी है जो कि हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हाउ ऑफ़न डू यू वॉश योर हेयर आप अपने बाल कितनी दफ़ा साफ करते हैं आई वॉश देम डेली मैं उन्हें रोज़ाना साफ करता हूँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो एडवर्ब जो हाउ ऑफन को आंसर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे How often को कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे नेक्स्ट चले जाए ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर को देखिए कि जो है, वो किसको आंसर करेंगे हाउ को मैंने कहा ये फाइव क्वेश्चन जो है ये ही एडवर्ब्स की टाइप्स को डिटर्मिन करते हैं हाउ ऑफन जिसको आंसर जो एडवर्ब हाउ ऑफन को आंसर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो एडवर्ब हाउ uh, को आंसर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर है कैसे हाउ शी सिंग्स वो कैसे गाती है शी सिंग्स ब्यूटिफुली वो बहुत ही खूबसूरती से गाती है अब यहाँ शी वर्ब है सॉरी शी सब्जेक्ट है सिंग्स वर्ब है और ब्यूटीफुली यहाँ पर एडवर्ब है वो बहुत ही खूबसूरती से गाती है और ये ब्यूटिफुली किसको आंसर कर रहा है हाउ को तो जो एडवर्ब हाउ को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा शी सिंग्स ब्यूटीफुली और ये भी देखें इसकी प्लेस क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर की मोस्टली ये वर्ब के बाद आते हैं हाउ शी बिहेव्स वो किस तरह का बर्ताव करती है शी सब्जेक्ट बिहेव्स वर्ब नाइसली अच्छे से वो बहुत ही अच्छे से बर्ताव करती है तो शी बिहेव जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब है और नाइसली जो है वो एडवर्ब है जो हमें बता रहा है कि वो किस तरह से बिहेव करता है बिहेव को मॉडिफाई कर रहा है तो नाइसली एडवर्ब है और एडवर्ब जो है नाइसली वो कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है वो हाउ को आंसर कर रहा है हाउ शी बिहेव्स शी बिहेव्स नाइसली तो जो एडवर्ब जो है वो हाउ को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा फिर आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किस को आंसर करते हैं

अब देखें वेयर वेयर इट इज डार्क कहां अंधेरा है कहां इट वॉज डार्क एवरी वेयर कहां अंधेरा था इट वॉज डार्क एवरी वेयर हर जगह अंधेरा था तो यहाँ पे जो एवरी वेयर है ये वेयर को आंसर कर रहा है और जो एडवर्ब वेयर को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा वेयर शुड आई सिट मुझे कहाँ बैठना चाहिए यू शुड सिट हेयर आपको यहाँ बैठना चाहिए यहाँ हेयर एडवर्ब है जो सिट को मॉडिफाई कर रहा है बैठने को आप देखें यू जो है यहाँ सब्जेक्ट है शुड जो है वो यहाँ पे आपको पता है मॉडल वर्ब है सिट वर्ब है बैठना बैठना और हेयर जो है वो बैठने को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब है और ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है वेयर कहाँ बैठना है यहाँ बैठना है तो हेयर यहाँ एडवर्ब है और किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है ये वेयर को आंसर कर रहा है तो ये कौन सा एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो वो वर्ड्स जो के वर्ब को मॉडिफाई करें और वेयर को आंसर करें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये हमारी एडवर्ब की थर्ड टाइप है जो हम सीख रहे हैं अभी तक हमने थ्री टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ प्लेस और आप ये देख लें ये तीनों उन्हीं फाइव क्वेश्चन में से हैं जिनको एडवर्ब आंसर करता है नेक्स्ट चले जाए एडवर्ब ऑफ टाइम तो ऑबियसली यहाँ भी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है वो टाइम के बारे में बताता है ये वैन को आंसर करता है एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये वेन को आंसर करता है वैन वेन डिड यू बाय न्यू कार आपने नई कार कब खरीदी आई रिसेंटली बॉटा न्यू कार मैंने रिसेंटली ही एक नई कार खरीदी है अब आप देखें यहाँ पे बॉट जो है वो वर्ब है आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में ये वाला एडवर्ब आया है और ये किसको आंसर कर रहा है ये वेन को आंसर कर रहा है आपको टाइम बता रहा है तो टाइम पूछने के लिए हम हमेशा वन यूज़ करते हैं आई रिसेंटली बॉट अ न्यू कार मैंने रिसेंटली ही एक नई गाड़ी खरीदी है और आप ये देख सकते हैं कि रीसेंटली यहाँ एडवर्ब है जो कि बॉट को आंसर कर रहा है ख़रीदने को आंसर कर रहा है सॉरी मॉडिफाई कर रहा है बॉट यहाँ पे वर्ब है और रिसेंटली यहां एडवर्ब है और रिसेंटली यहां पे बॉट को मॉडिफाई कर रहा है बॉट के बारे में हमें बता रहा है और बॉट के बारे में कौन सी दे रहा है बॉट के बारे में वेन की, दे रहा, वेन की दे रहा है कब खरीदी रिसेंटली अभी जो है वो रिसेंटली खरीदी है दूसरा देखिए वेन डिड यू विजिट कमाल आप कमाल को मिलने कब गए थे आई विजिटेड हेम यस्टर मैंने उसको उससे कब मुलाकात की मैंने उससे कल मुलाकात की तो यहां पे आप देखें विजिटेड वर्ब है और विजिटेड को कौन मॉडिफाई कर रहा है आय तो नहीं कर रहा हिम नहीं कर रहा ये विजिट किया कल किया विजिट किया कल किया और ये कब ये किसको आंसर कर रहा है वेन को आंसर कर रहा है तो ये भी टाइम है जो कि वेन को आंसर करेगा आई विजिटेड हिमया स्टडी अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो रिसेंटली है वो तो सब्जेक्ट uh, और वर्क के दरमियान में आया है लेकिन ये जो है वो आखिर में आया है तो हम इसको इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आ गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री आपने उसमें पढ़ा होगा हाउ मच पढ़ा था आपने और आपने उसमें पढ़ा था टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट एक्सटेंट डिग्री क्या लेवल है लेवल या फिर टू व्हाट एक्सटेंट ये आपने उसमें पढ़ा था कि ये इसको आंसर करता है तो जो एडवर्ब टू वट एक्सटेंट को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा जो एडवर्ब टू वट एक्सटेंट को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा इनको भी एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं टू वट एक्सटेंट हाउ मच टू वट डिग्री इज वाटर हॉट पानी कितना गर्म है द वॉटर इज़ एक्सट्रीमली हॉट द वॉटर इज़ extremely हॉट पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है जो कि डिग्री बता रहा है हमने पढ़ा था पहले कि एडवर्ब जो हैं वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और वो वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं वो थे वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब अब यहाँ पे आप देखें पानी जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है और हॉट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है द वॉटर इज हॉट पानी गर्म है तो पानी यहाँ पे नाउन है हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है जो कि हॉट है अब यहाँ पे ये भी देखना एक चीज तो ये हो गई ना कि ये है कि नहीं है ऑब्वियसली दिस इज एडवर्ब क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया ये बात कंफर्म हो गई अब वो कौन सी टाइप का एडवर्ब है किसको आंसर कर रहा है हाउ मच टू वट डिग्री को आंसर कर रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा फिर उसके बाद देखिए हाउ मच टू वट एक्सटेंट इज वैदर प्लेजेंट वैदर जो है वो कितना खुशगवार है द वैदर इज वेरी प्लेजेंट वैदर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट है तो फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द वैदर इज नाउन प्लेजेंट इज एडजेक्टिव और वेरी यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है प्लेजेंट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है प्लेजेंट यहाँ पे प्लेजेंट यहाँ पे क्या है प्लेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो प्लेजेंट को मॉडिफाई कर रहा है तो वेरी जो है वो यहाँ पे एडवर्ब हो गया क्योंकि हमने ये पढ़ा है एडवर्ब की डेफिनेशन में कि जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताएगा वो एडवर्ब होता है वेरी प्लेजेंट प्लेजेंट खुशगवार एडजेक्टिव वेरी बहुत ज़्यादा खुशगवार तो बहुत ज़्यादा जो वेरी है वो प्लेजेंट को मॉडिफ़ाई कर रहा है प्लेजेंट के बारे में मज़ीद बता रहा है तो वेरी यहां पे एडवर्ब है अब हमने ये देखना है वो कौन सा एडवर्ब है एडवर्ब की फाइव टाइप्स में वो कहां आता है तो वेरी जो है वो किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट डिग्री को जो है वो आंसर uh, कर रहा है तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ ये उसका उसकी डिग्री बता रहा है कि कितना प्लीजेंट है हाउ मच उसका लेवल बता रहा है तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया तो अब हमने ये देखा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एडवर्ब्स जो हैं वो फाइव क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ये हम पिछले भी वीडियो में समझ चुके हैं वो फाइव वर्ड्स कौन से हैं हाउ वैन वेयर हाउ ऑफ़न टू वट एक्सटेंट और ये फाइव क्वेश्चन जो हैं यही एडवर्ब की टाइप्स को जो है वो डिटर्मिन करते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो कि हाउ ऑफ़न के आंसर करता है जो एडवर्ब हाउ ऑफन को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा जो क्वेश्चन हाउ को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा और जो क्वेश्चन जो है वो वेयर को आंसर सॉरी जो वर्ड जो एडवर्ब वेयर को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा और जो एडवर्ब वेन को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा और जो एडवर्ब टू वट एक्सटेंट टू वट डिग्री को आंसर करेगा वो एडवाब ऑफ डिग्री होगा इसकी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दी हैं और इनकी प्लेस भी बता दी है कि ये किन जगहों पर आती है होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कॉमेंट टेक केयर